बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ, मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम हो चुके हैं। पीएम मोदी ने आज इसका ऐलान सोशल साइट एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए किया। एक्स पर लिखे पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी राहत 1 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि सिलेंडर के दामों में कितनी कटौती आई है। बताते चले कि 100 रुपये कटौती आई है और इस कटौती के बाद जयपुर में सिलेंडर के दाम 806.50 रुपये हो चुके हैं। बताते चले, और दिल्ली में वही 803.50 रुपये सिलेंडर की कीमत होगी। भोपाल की बात करें तो वहाँ पर 808.50 रुपये सिलेंडर की कीमत होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते जा रहे हैं कि कितने दाम जो हैं वो थे पहले और अब कम होने के बाद सिलेंडर के दाम कितने हो गए हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जयपुर में पहले सिलेंडर की कीमत थी 906.50 रुपये और जो अब हो चुकी है 806.50 रुपये। दिल्ली में पहले सिलेंडर की कीमत थी 903 रुपये जो अब 803 हो चुकी है। बात करें भोपाल की तो पहले सिलेंडर वहां पर 908.50 रुपये में मिल रहा था, जो अब मिल रहा है 808.50 रुपये में। तो सिलेंडर के दामों से लोगों में खुशी भी है। ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से संवाददाता अरबाज अहमद। जयपुर से जुड़ चुके हैं अशोक शर्मा, हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़े हुए हैं। और वहीं अगर बात करें हम कोटा की तो वहां से हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जयपुर का रुख करूंगी और अरबाज आपके पास आऊंगी। कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है महिलाओं में, अभी आप मौजूद कहाँ हैं सबसे पहले तो वो बताइए और उसके बाद जानकारी। देखिए, मैं जयपुर में टोंक फाटक के पास में एक गैस एजेंसी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, गैस सप्लाई करने वाली पूरी टीम भी मौजूद है, कुछ अलग अलग वर्ग की महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा, जो आज की ताजा कीमत है गैस सिलेंडर की घरेलू की, वो 906.50 रुपये। अगर इसमें 100 रुपये की सब्सिडी मिलती है तो ये 806.50 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी। वहीं पर आप देख सकते हैं कमर्शियल सिलेंडर राजस्थान में 1818 रुपये का, उसकी रेट में अभी कोई तब्दीली नहीं होगी। ये केवल आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए होंगे, क्योंकि देखिए राजस्थान का अगर हम पूरा आंकड़ा ले, करीब 1,75,70,000 से ज्यादा उपभोक्ता हैं जो सीधे तौर पर एलपीजी घरेलू गैस के जरिए अपने परिवार के अंदर उपयोग करते हैं। कुछ महिला हमारे साथ में मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। अगर सब्सिडी मिलती है तो उसे किस तरह से देखते हैं, आपके परिवार पर, आपके बजट पर कितना फर्क पड़ता है 100 रुपए की कमी होना? फर्क तो पड़ता ही है, 1 महीने का 1 सिलेंडर लगता है तो 100 रुपए तो ठीक है, फर्क पड़ता है उनका। आपकी माताजी यहाँ मौजूद हैं, आप बता रहे थे कि काफी वर्षों से आप सिलेंडर वगैरह लेते हैं, पहले कितने का आया करता था? अब याद आ रहा है मुझे, 45 का था। 45 रुपए का लिया करते थे आप जब सिलेंडर, अब 1106 रुपए तक पहुंच गई थी कीमत, फिर वापस कम होते होते मुझे तो पता नहीं है। परिवार में कितना सिलेंडर उठता है आपके? एक सिलेंडर महीने भर चलता है। हाँ। तो अब उस पर कुछ सस्ताई होती है तो सीधे तौर पर बजट पे असर पड़ेगा आपके परिवार के? हाँ, अगर 200-300 रुपए ठंडा कम कर दोगे तो बजट पड़ेगा, हर 3 महीने में 300 रुपए कम हो जाते हैं। बहुत मायने रखते हैं, मायने रखते हैं। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, एक जो महिला है जो कि काफी वर्किंग वुमन है, उनसे बातचीत करते हैं। आपके लिए कितना मायने रखता है 100 रुपए कम होना सिलेंडर पे? 100 रुपए कम होता है तो आपको फर्क पड़ता है? ठीक। कितना खर्चा होता है आपका, मतलब 1 महीने चलता है सिलेंडर? हाँ।
जी बिल्कुल, ये महिला हैं, एक जो मैनेजर हैं उनसे हम थोड़ा तकनीकी मामले को समझते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सर। राजेंद्र जैन। राजेंद्र जी, क्या स्थिति है अभी वर्तमान में, क्या भाव चल रहे हैं और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको लेकर के क्या अपडेट आपको मिला? हमारे पास कोई अपडेट नहीं उसके भी अभी नहीं आया। आज महिला दिवस है क्योंकि अरबाज और पीएम मोदी ने ऐलान किया है, धीरे धीरे जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। और जिस तरीके से महिलाएं काफी खुश है, जैसे ही आपने उन्हें बताया कि सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम हुए हैं, वो देखने वाली बात जरूर है क्योंकि आज महिला दिवस भी है। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे, अशोक शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अशोक, एक तो महिला दिवस, ऊपर से महाशिवरात्रि, और ये बड़ा तोहफा पीएम मोदी की तरफ से दिया गया कि 100 रुपए सिलेंडर की छूट महिलाओं को दी गई है। आप किसी के घर में मौजूद हैं, कहां मौजूद है बताइए, अगर महिलाएं हैं उनसे बात जरूर करिए और पूछिए कि पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद कितनी खुश हैं वो। अशोक। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो है ही है और महाशिवरात्रि की वजह से जो सार्वजनिक अवकाश है, शायद एक यही वजह है कि अभी तक गैस एजेंसीज के पास में वो अपडेशन नहीं पहुंचा है। हाँ। हालांकि जब अल सुबह हमारी कुछ महिला उपभोक्ताओं से और गृहणियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए की रियायत बेशक छोटी रियायत है लेकिन एक बड़ा मायने रखती है, क्योंकि इन दिनों गैस के दाम की यदि बात करें तो श्रीगंगानगर में 936 रुपए का गैस सिलेंडर इस समय मिल रहा है, लेकिन यदि 100 रुपए की कटौती होती है तो उसके बाद गैस के दाम श्रीगंगानगर में घटकर 836 रुपए पर पहुंच जाएंगे। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के गैस एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवरी पॉइंट पर ही मौजूद हैं, हालांकि फिलहाल उपभोक्ता आज नहीं है क्योंकि त्योहार है आज, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे श्री गंगानगर की गैस एजेंसी के एक संचालक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अभी तक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 रुपए की अनाउंसमेंट की गई है छूट की, इसको अभी तक आपके पास क्या अपडेशन है और क्या दाम हो जाएंगे जब 100 रुपए का? सर अभी तक हमारे पास कोई अपडेशन नहीं आई है, लेकिन ऊपर जो गोल दिया गया, अगर अपडेशन होती तो साथ ही साथ डिस्काउंट शुरू हो जाता। अभी तक कोई अपडेशन नहीं है सर, 936 का ही मिल रहा है सबको और 936 का ही पे हो रहा है जो। और जैसे ही अपडेशन आपके पास आएगा 100 रुपए की कमी होगी, उसके बाद गंगानगर में क्या भाव होंगे गैस सिलेंडर के? सर अगर जैसे ही अगर ये देखते ना सब्सिडी के अंदर दे रहे हैं डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट में दे रहे हैं, अगर कैश डिस्काउंट में देंगे तो 936 से 100 रुपए घट के 836 हो जाएगा, अगर सब्सिडी में देंगे तो 300 रुपए आ ही रही है जो पर मोदी जी दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है, वो 100 रुपए बढ़कर 300 से बढ़कर 100 बढ़ जाएगा, प्लस 400 रुपए हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए वाकई इन्होंने थोड़ी सी तकनीकी पेच बताई है। हमारे साथ यहाँ श्री गंगानगर की एक महिला उपभोक्ता भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैं जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपए कम किए हैं घरेलू गैस के दाम पर, कैसा लगता है ये रियायत कितनी है? 100 रुपए कम होते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, पर कह रहे हैं ना 500 रुपए कम कर रहे हैं सिलेंडर पे हमारे। हाँ। तो कोई सब्सिडी नहीं आ रही। नहीं, आज इन्होंने 100 रुपए जो कम करने का वादा किया है, अभी आप गैस सिलेंडर कितने मिलेंगे? पता नहीं सर, पहली बार बुराने आई हूं। 936 में मिलेगा। यदि 100 रुपए कम होते हैं तो उससे आपके 100 रुपए कितने मायने रखते हैं आपके लिए? हमारे लिए तो बहुत मायने, 100 रुपए पूरा दिन कमाते हैं जब 100 रुपए हमारे काम आते हैं। यदि ये 100 रुपए कम होते हैं तो क्या आपके रसोई के बजट पे भी कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ पड़ता है। किस तरह से? हम 100 रुपए में हमारा 100 काम आएगा, हम चीनी लेके आएंगे, दूध के काम आएगा, हमारे 2 दिन दूध आएगा हमारे घर में। बिल्कुल, शुक्रिया जी। नारी शक्ति को बल मिलेगा, अशोक यही कहा था पीएम मोदी ने जब उन्होंने 100 रुपए पर 100 रुपए कम करने की बात कही थी प्रति सिलेंडर पर। उदयपुर का रुख करेंगे, कपिल श्रीमाली हमारे साथ संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। कपिल, हालांकि जैसा अशोक बता रहे हैं अभी तक गैस एजेंसियों के पास इसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है दामों को कम करने का, लेकिन जैसे जैसे ये जानकारी आगे बढ़ती जा रही है, महिलाओं को हो रही है, खुश तो वो है कि आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन पहुंचेगा और 100 रुपए सिलेंडर उन्हें कम से कम देना पड़ेगा प्रति सिलेंडर। कपिल। बिल्कुल, देखिए आधिकारिक रूप से घोषणा तो हो चुकी है लेकिन नोटिफिकेशन जैसे ही पहुंचेगा इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि गैस सिलेंडर को कम करने के लिए कौन सा दिन चुना, महिला दिवस का दिन चुना गया है क्योंकि महिलाओं को संबल देने के लिए केंद्र सरकार का यह निर्णय है और इस निर्णय से खास तौर से महिलाएं खासी खुश भी हैं क्योंकि अब सिलेंडर जो है जो कि तकरीबन 950 रुपए के आसपास आता था, अब 100 रुपए कम होने के बाद में घर में 850 रुपए के आसपास में मिलेगा। हमारे साथ में कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। केंद्र सरकार ने 100 रुपए सिलेंडर पे कम किए, क्या सोचते हैं महिला दिवस के मौके पर किस तरह का उपहार है महिलाओं के लिए? आज बहुत खुशी की बात है, आज महाशिवरात्रि और महिला दिवस भी है साथ में, तो ये तो महादेव जी का चमत्कार है कि 100 रुपए कम हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि सबसे पहले अपने घर में सबसे पहले सिलेंडर ही यूज किया जाता है, तो आज ये जो 100 रुपए टूटे उसके उपलक्ष्य में हम सब कुछ कहना चाहते हैं। आप बताइए कि 100 रुपए कम होना कितना मायने रखता है? बहुत बड़ा मायने रखता है 100 रुपए,
कि क्योंकि इतना अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता है शिवरात्रि का। सरकार महिलाओं के लिए सोच रही है तो अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए क्योंकि महिला आगे बढ़ेगी तो विकास भी होगा अपने और सब तरफ से उन्नति भी होगी और विकसित महिला होगी तो उसके हिसाब से घर परिवार सब अच्छे तरीके से चला सकेंगे। आप बताइए कि एक महीने में तकरीबन कितने सिलेंडर यूज आ जाते हैं और 100 रुपए से कितना बचत हो जाएगी? सर 100 रुपए के तो हिसाब से तो बहुत अच्छी बचत होगी इसमें और अच्छा भी है, सिलेंडर कम हुआ है, महिलाओं को हर समय ये गैस की जरूरत पड़ती है हर चीज में और